हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में अगेन मैं एक हेयर मास्क लेके आई हूँ जो इस गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इस आपके बाल फ्रिजी है, डल है, उलझते ज़्यादा है, टूटते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इस पैक को लगाने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर आपके बाल अगर कर्ली है मेरे जैसे, तो वो भी कितने सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे बालों के टेक्सचर में फ़र्क देख रहे हो कि अब मेरे बाल स्ट्रेट होने के जैसे होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रेटनिंग का भी लुक आपको देगा, धीरे धीरे आपके बालों को स्ट्रेट भी करेगा। तो ये एक ऐसा पैक है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बालों को बहुत ही हेल्दी रखता है, बालों को लंबा करने में हेल्प करता है और बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। मतलब बालों की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम से हेल्प करता है। बस आपको करना ये है कि शैम्पू करने से 35 मिनट पहले इसको लगाना है, और आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उस शैम्पू से उसको धो लेना है, कंडीशनर जरूर करना, ताकि आपके बाल और ज़्यादा अच्छे हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट पहले चैनल पर गिव अवे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना ना भूले। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, आप उसको जाकर चेकआउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है कलौंजी ऑयल। मैंने यहाँ पे नेचर श्योर का कलौंजी ऑयल लिया है, आप चाहे तो किसी और ब्रांड का ले सकते हैं। नारियल तेल, हनी एंड आपको लेना है विटामिन ए के 2 कैप्सूल, ये इवियन 400 है। अब क्या करना है, एक बाउल में आपको कलौंजी ऑयल लेना है। मैंने 1 चम्मच के अप्रॉक्सीमेट लिया है, टीस्पून, और आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग लेना। और इसके बाद 1 चम्मच नारियल का तेल भी लेना है इसमें। ये दोनों इक्वल अमाउंट में होगा, जितना आपका लेंथ है उस हिसाब से। इसके बाद 2 चम्मच हनी मैंने लिया है। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आपको 4 से 5 चम्मच हनी लेना चाहिए। एंड दोनों कैप्सूल को मैंने यहाँ पे कैप्सूल के ऑयल निकाल के इसमें मिक्स कर देना है। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, जितना अच्छा से आप इसको मिक्स कर पाए। ये जब आप मिक्स करोगे तो ये एकदम स्मूथ सा पेस्ट जैसा बन जाएगा। आप देख सकते हो कि मैं मिक्स कर रही हूँ, ये कितना अच्छा पेस्ट जैसा बन जाएगा। बहुत ही अच्छा ये स्मूथ सा पेस्ट इसका बनेगा, और इसमें हनी की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इस पैक को लगाने से पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लो आप अच्छे से डिटेंगल करना है। बालों को डिटेंगल करने के बाद पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है, और इस पैक को आपको अपने बालों पे लगाना है। मैं यहाँ पे अपने फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कॉटन बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से सुविधा हो उस तरीके से अच्छे से लगाइए। और मैं लगाने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्कैल्प पे मसाज भी कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है हनी। हनी जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, आपके बालों के स्प्लिट एंड्स के लिए बहुत अच्छा है। हनी आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। इसमें हमने कलौंजी ऑयल डाला है। कलौंजी ऑयल आप सभी को पता है कि बालों को बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कलौंजी ऑयल, नारियल तेल इस भी मैंने इसमें डाला है, क्योंकि नारियल तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर अगर आप नारियल तेल के ऑयल से मसाज करोगे बालों को, तो बाल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखिए, मैं बहुत अच्छे से इस मास्क को मैं बाल में अप्लाई कर रही हूँ। जब आप ये मास्क बालों में अप्लाई करोगे ना, तो आपके हेयर इतने स्मूथ से लगेंगे, इतने ज़्यादा स्मूथ लगेंगे ना, कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। आप जब ऐसा करोगे तो आप खुद से फील कर पाओगे। और आप देख सकते हैं, मैंने अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लिया है इसको, और सिर्फ जड़ में ही नहीं, मैंने सिरे पे भी लगाया है, मतलब पूरे बालों में अपने मैंने इसको लगाया है। और ये काफ़ी स्मूथ, इस ये मेरे जो हेयर बॉन्ड है वो काफ़ी स्मूथ समझ में आ रहे हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब मैंने इसको लगा के इसको मैं क्लच कर लूँगी। इस पैक को आपको सर पे 30 मिनट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट आप रख सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी शैम्पू से जो आपको सूट करता है उससे आप शैम्पू कर ले, प्लस कंडीशनर भी कर ले।
आपने कितना इजी होम रेमेडी है। आप इसे जब भी शैम्पू करने जाते हैं उसके आधा घंटा पहले ही आपको जस्ट अप्लाई करना है, आधा घंटा पौना घंटा पहले आप अप्लाई करो और आप खुद से रिजल्ट देखना कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। आपके बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि कर्ली हेयर कभी भी स्मूथ नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, बट ये रेमेडी आप ट्राई करके देखो। आप इस थ्योरी को बिल्कुल गलत बोलोगे। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखो और मुझे अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा आपका इस रेमेडी के साथ आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट्स में लिखना। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। पॉजिटिव रिजल्ट आए तो भी लिखना, नेगेटिव रिजल्ट आए तो भी लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या चीज़ें सही करनी है, क्या चीज़ें और इसका एक्सपेरिमेंट करना है, देखना होगा। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स ज़रूर लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो में मेरी मेहनत दिखती हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना नहीं जाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी मेरा सेकंड चैनल पे भी जा सकते हो। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।